नवाज शरीफ की वापसी हुकूमत का लीगी कायद की मुआलजीन से खुद राबता करने का फैसला। डॉक्टर लॉरेंस और डॉक्टर शॉल को आज शाम तक खत लिखे जाने का इम्कान। मेडिकल रिपोर्ट्स और मालूमात ली जाएंगी। फैसल वाडा की नाअहली का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई रहनुमा ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। 9 फरवरी 2022 का फैसला कलदम करार देने की दरख्वास्त मौकिफ अपनाया। इलेक्शन कमीशन नाअहली का फैसला देने का मजाज नहीं था। फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अमीर तबका टैक्स नहीं देता। बड़ी आबादी का लाइफ स्टाइल अच्छा है लेकिन टैक्स सिफर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं डेटा जमा कर लिया, टैक्स नादहिंदगान तक पहुँचेंगे। तरजीह गरीब को ऊपर लाना है, आवाम को डिजिटल निज़ाम की तरफ ले आसानी होगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई कम हुई। घबराहट और परेशानी मुलाकातों से नहीं मुल्की तबाही से है। शहबाज शरीफ का पलट कर वार, कहा कि कर्जे इतने लिए जिसका कोई हिसाब ही नहीं। महंगाई और बेरोजगारी कभी इतनी नहीं हुई। करप्शन के बेपनाह स्कैंडल हैं, दौलत दोनों हाथों से लूटी गई। शाहिद काकान अब्बासी बोले कि हुकूमत टेलीफोन कॉल्स पर खड़ी है, जिस दिन कॉल्स बंद होंगी उसी दिन अदम एतमाद हो जाएगा। दुआ मंगी के अगवा में मुलावस मुलजिम के फरार होने के केस में आहा मोड़, मुदई मुलजिम बन गया। पुलिस ने एएसआई खालिद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। दो रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजिम की हिदायत पर हेड कॉन्स्टेबल्स मफरू मुलजिम को लाते थे। एएसआई खालिद खुद को बचाने के लिए मुदई बन गया था। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला आज पिशावर जलमी और क्वेटा ग्लेडिएटर्स का टाकरा होगा। हर मैच पर लाइव तजिया देखिए। जावेद मियादाद के साथ सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड के एलेक्सिल्स निजाती वजूहात पर लीग छोड़ती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।